हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से आपके साथ अवेलेबल हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ, जो कि फिर से कि गुड वाइब्स का है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे को गुड वाइब्स पर्सनली फेवरेट ब्रांड है स्किन केयर के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा क्यों लगता है, इसके दो तीन कारण हैं। क्योंकि ये बिल्कुल भी इसमें पैराबीन नहीं होते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और प्रिजर्वेटिव बहुत ही कम मात्रा में इसमें यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो इस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके सामने लेकर आई हूँ, आप जैसे कि देख ही रहे हैं, यह है विटामिन सी, गुड वाइब्स का विटामिन सी ग्लो फेस स्क्रब। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल गया होगा ग्लो फेस स्क्रब है, या तो क्या ये सच में आपको एक ग्लो प्रोवाइड करता है? तो जी हाँ, ये आपको ग्लो प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छा फेस स्क्रब है। और ऐसा मैं आपको ये बहुत टाइम बाद, कम से कम मैंने महीने से दो तीन महीने इसको यूज़ किया है और मेरे घर में भी सभी लोग इसको यूज़ करते हैं, सभी का पर्सनल फेवरेट बन चुका है ये। और इसीलिए मैंने भी सोचा कि जब ये इतना अच्छा है और इतना इफेक्टिव है, तो क्यों ना मैं आपको, आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, ताकि जो फ़ायदा मैं उठा रही हूं वो आप लोग भी ले सकें इसका फ़ायदा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जैसे कि स्किन पर एक्ने हैं या फिर बहुत ज़्यादा माइल्ड एक्ने हो जाते हैं, और हाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है तो उनको स्क्रब करने में डर लगता है, तो इसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी, जितनी भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है जिसको हम बोलते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत ही माइल्ड है, कोई भी स्किन टाइप इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पर। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके MRP 220 रुपीज़ की इसके MRP है, लेकिन ऑफ़र में आपको हमेशा 199 या कभी कभी तो ये 169 में भी आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन वो तभी होता है जब आपको पर्पल पे सेल चल रही होती है। और इसकी सेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है 3 ईयर्स की, तो इसको आप आराम से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मेंशन है कि नो पैराबेंस नो मिनरल ऑयल, तो ये तो इसकी प्लस पॉइंट है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा फेस स्क्रब है। और अब मैं चलिए इसकी आपको मैंने इसकी MRP भी बता दी, क्वांटिटी भी बता दी, और क्वांटिटी इसको 50 ग्राम आपको मिल जाता है। और चूंकि स्क्रब को ज़्यादा आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं, तो बहुत लंबे समय तक ये चल भी जाता है। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है, और ये आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फिनिश है। तो ये देखिए बहुत माइल्ड है, आपको इसमें जो भी बीड्स हैं वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगी। इसमें पपाया का जो सीड होता है ना, पपाया का सीड वो यूज़ किया गया है क्रश करके, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए कुछ इस तरीके से है, जूम करके भी आप देख सकते हैं, बहुत से फाइन पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे। तो बहुत ही अच्छा फेस स्क्रब है, जिनके भी स्किन पर एक्ने हैं, ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड्स हैं, या फिर पिगमेंटेशन की स्किन है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको यूज़ कीजिए। मेरी तरफ से बिग बिग यस है, और थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, या आपको इस तरीके की वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।